अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिक कटिंग सिखाऊंगी कॉटन ड्रेसेस की, जो कि हम मोस्टली समर सीज़न में पहनते हैं। तो इनकी स्टिचिंग करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, कटिंग करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। सो हम आज आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग सिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये देखें, इस पीस के हमने साइड में ये जो बॉर्डर था इसको अच्छे से अलहदा कर लिया है, यानी काट लिया है। इसको हम इसकी डिज़ाइनिंग में यूज़ करेंगे। वो किस तरह से करेंगे वो हम आपको बताते हैं। अब हम इस तरह से करेंगे कि ये जो नीचे बॉर्डर है शर्ट पीस में फ्रंट पे, ये देखें, इसको हम अलग कर लेंगे। इस तरह से इसको अलग करना है कि एक हक रखेंगे हम इसमें स्टिचिंग का, थोड़ा सा यानी एक्स्ट्रा कट करेंगे इस तरह से। इसी तरह बैक के बॉर्डर को भी कट कर लें। ये देखें व्यूवर्स, मैंने नीचे का बॉर्डर अलग कर लिया है। इसको हम इसलिए भी अलहदा करते हैं कि ड्रेस में अक्सर प्रिंटिंग के टाइम में कान आ जाती है, यानी कि रेब आ जाती है हल्की सी। तो इस तरह से हम इसे ड्रेस को स्ट्रेट कर सकते हैं। अब हम इसकी मेजरमेंट लेना स्टार्ट करते हैं। हम तकरीबन 8 इंचिस तक का तीरा लेंगे, यानी शोल्डर्स लेंगे, और आर्म हम होल भी हम अबाउट 8 इंचिस तक का बनाएंगे। इसकी कटिंग इस तरह करके करें कि ये रेक्टेंगल बना लें आप, और उसमें एक सर्कल भी। इसी तरह हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे और इसमें गुलाई कर लेंगे। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। ये हमने तकरीबन 12 इंचेस पे इसका मार्जिनिंग की है। इसी तरह हम नीचे जहाँ पे फिटिंग होती है, मेजर फिटिंग कमर के पास से, वो हमने अबाउट 10 इंचेस तक ली है। और हमने सिलाई के हक के लिए कटिंग करनी है, यानी कि इतना हक रखना है कि हम सिलाई आसानी से कर सकें। इसी तरह हमने ये जो हमने सिलाई करनी है 15 इंचेस तक करनी है, और ये हिप्स के पास से हमारी फिटिंग कटिंग 13 इंचेस तक होगी। इसको नीचे से इस तरह से कर्व में कट करेंगे, रेब में, एयरलाइन समझ लें इसको। ऊपर की फिटिंग की मैचिंग करते हैं। ये देखें, इस तरह से गुलाई कर लें। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये जो हम एक्स्ट्रा कट कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि ये हमारा सिलाई का हक है। इस तरह हमें सिलाई करने में आसानी रहती है। कम कट जाए कपड़ा तो हमारा सूट ज़ाया हो जाता है, तो इसलिए हमें उसे तकरीबन थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना चाहिए, कट करना चाहिए। ये हम बैक पीस अभी कट कर रहे हैं, फ्रंट पीस हमने अभी कट नहीं किया। व्यूवर्स ये देखें, अब ये फ्रंट पीस है, इसकी कटिंग हम इस तरह से करेंगे। इसमें हम डिज़ाइनिंग ऐड करेंगे, यानी कि तीरा जो है फ्रंट पे उसे अच्छा सा बनाना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ 4 इंचिस के करीब मेजरमेंट का निशान लगाएंगे, इधर से भी और नीचे की तरफ से भी, और इस पट्टी को हम निकाल लेंगे। ये जो सेंटर पीस है गले तक का, इसे हम कट कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से इसको सीधा करके स्ट्रेट वे में कट कर लेंगे। ये हमारा बीच का तीरा होगा शर्ट पीस का। जो हमने साइड से पट्टी उतारी थी उसको हम इसके साथ अटैच करेंगे। इस तरह हमारी शर्ट में बाहर आ जाएगी, यानी ये बहुत ही प्यारी लगेगी। इस तरह आप अपने समर ड्रेसेस में डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये देखें, ये जो ये बीच में सेंटर पीस है, हमने ये जो गैप छोड़ा है ये इस पट्टी के लिए छोड़ा है, ये जो हमारी साइड से उतरी थी। बहुत से लोग इसे ट्राउज़र्स में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हम इसे यहाँ पे फ्रंट में इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, इस तरह से इसको हम पूरी को अटैच कर लेंगे इसके साथ, और उसके बाद हम इसकी बैक के हिसाब से, जैसे कि बैक की मेजरमेंट की है उस हिसाब से इसकी कटिंग कर लेंगे। इसी वजह से हमने इसका बॉर्डर भी उतारा है, फ्रंट और बैक पीस दोनों का ही। ये देखें व्यूवर्स, हमने ये पट्टी ज्वाइन कर लिया, जैसा कि आपको दिखाया था। हमने अभी इसे स्टिच कर लिया है अच्छे से। स्टिच होने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इसी तरह हमने ये बॉर्डर भी अटैच कर लिया है, जो कि हमने पहले कट कर लिया था। इस तरह से हमें ये सीध मिल गई है हमारे ड्रेस की।
ये देखें व्यूवर्स, हमने ये बैक पीस को इस तरह से रखा है फ्रंट पीस के ऊपर। अब इसी सेम मेजरमेंट के हिसाब से हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए हमने इसे अच्छे से कट कर लिया है। फ्रंट में हम ये इस तरह से रेप की कटिंग करेंगे शोल्डर के पास से तकरीबन 1 इंच तक, और इसी तरह कांधे की गहराई भी करेंगे। व्यूवर्स, अब हम आपको बैन की कटिंग सिखाते हैं कि किस तरह करेंगे। हम यहाँ पे 15 इंच जितनी लंबाई लेंगे, यानी उसकी लेंथ ले रहे हैं 15 इंचेस तक की, और इसी तरह हम उसकी विड्थ अबाउट 3 इंचेस लेंगे, जो कि कटिंग के बाद छोटी हो जाती है, इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा लेंगे। ये देखें, इसको हम अब इस तरह से मेजर करके निशान लगा रहे हैं। ये देखें, हम अबाउट 2 इंचेस तक इस तरह इसको गुलाई करेंगे, और इसी तरह से यहाँ से भी गुलाई कर लेंगे ऊपर की तरफ, और इसको स्ट्रेट कट में निशान लगा देंगे। आई होप सो आपको समझ आई हो। ये देखें, इस तरह से हम इसकी गुलाई करेंगे बे शेप की तरह। और इसी तरह से ऊपर वाली शेप की भी। ये कटिंग अंदाजे से होती है। ये देखें, यहाँ से स्ट्रेट थोड़ी सी कट करेंगे इसे इस तरह से। ये जब हम स्टिच कर लेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत बैन बनेगी। ऊपर की ये जो नोके हैं इनकी गुलाई कर लें, और ये हमारी बैन रेडी हो चुकी है। किस तरह से लगाएंगे वो हम आपको बताते हैं। व्यूअर्स, अब हम गले की कटिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम अबाउट 3 इंचेस तक की मेजरमेंट का निशान लगाएंगे। और 4 इंचेस तक की डेप्थ का, और ये गुलाई कर लेंगे। इसमें हम बैन लगाएंगे और ये स्ट्रेट स्लिट खोलेंगे हम इसमें अबाउट 12 इंचेस तक का। इसमें हम पाइपिंग भी दे सकते हैं। यहाँ पे ये हल्का सा कर्व कट करना है, इस तरह एक फ्लो और सीक्वेंस बन जाता है। सेम मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग कर लें। ये देखिए, यहाँ से कट को हमने इस तरह से कट करना है, और जो बीच का हमने आपको मेजरमेंट बताई है 12 इंचेस की, उसको हम ज़्यादा गहराई वाली नहीं करते, एक ही उसमें कट में कट कर लेंगे। ये देखें इस तरह से, इसमें हम रेप वगैरह नहीं करते जैसे कि ऊपर के कट में हल्की सी की है। ये देखें, व्यूवर्स, ये हमने कपड़े के ऊपर बैंड जो कट की थी उसको चिपका लिया है इस्त्री की मदद से। इसको हम कट कर लेंगे सिलाई का हक रख के। ये देखें, इस तरह से हम इसको इसी शेप के मुताबिक कट कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हम ये जो साइड की पट्टी है इसको हम इसी के हिसाब से कट करेंगे, यानी सेम मेजरमेंट के हिसाब से साथ साथ। ये इसलिए कि हम इस पर पाइपिंग लगाना चाह रहे हैं बैन पे।
नीचे का पीस एक्स्ट्रा इसलिए लिया है कि वो शर्ट के साथ अटैच होने में हमें काम देगा। व्यूवर्स, जैसे पहले वाली बैंड कट की थी उसी हिसाब से हम उसके लिए एक और पीस कट करेंगे। ये पीस हम एक्स्ट्रा कट कर रहे हैं थोड़ा सा। व्यूअर्स, हम फर्स्ट स्टेप में जो दोनों शोल्डर्स हैं फ्रंट और बैक के, उन्हें आपस में ज्वाइन करेंगे। ये देखें, इस तरह से हम इसे आपस में ज्वाइन करके स्टिच कर लेंगे। व्यूअर्स, अब हम इसके सेंटर में, गले के सेंटर में एक निशान लगा लेंगे ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि हमने किस तरह से इसका स्टिचिंग करनी है। कपड़ा कभी हमसे फिसल भी जाता है तो हमारी बैंड अक्सर ही हमें उधेड़नी पड़ जाती है, इस वजह से हम ये काम करते हैं। हमें इस तरह से प्रॉपर मेजरमेंट मिल जाती है। ये देखें, अब हम बैंड रखेंगे इसमें इस तरह से सेंटर से, और ये जो दूसरा पीस है ये बैक पे रखेंगे इसके, क्योंकि ये हम पाइपिंग वाली बैंड बना रहे हैं इसलिए इस तरह से रखी जा रही है। देखें, इस तरह से इसकी अच्छे से स्टिचिंग कर लें, और जो दूसरा हिस्सा बकाया रह गया है, स्टिच होने वाला रह गया है, उसको भी स्टिच कर लें। व्यूअर्स, ये देखें, हमने इसको अच्छे से स्टिच कर लिया है। अब हम इसे सीधा करेंगे। ये देखें, बैक पीस को फोल्ड करेंगे इस तरह से, और ये हमारी बैंड ऑलमोस्ट रेडी है। इस पर अब हम पाइपिंग लगा लेंगे। ये हम बैंड की सिलाई लगा रहे हैं ताकि हमें आसानी रहे इस पर पाइपिंग लगाने में। व्यूअर्स, अब हम इसकी पाइपिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये हम सेंटर से स्टार्ट करेंगे। ये देखें, ये जो सेंटर है इसका, यहाँ से हम इसकी स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट लेंगे पाइपिंग का। ये देखें व्यूअर्स, अब हम पाइपिंग लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में पक्का कर लें से, यानी डबल सिलाई लगा लें। यहाँ पे तकरीबन स्ट्रेट सिलाई ही आएगी, और आगे जैसा कि हमने कट लगाया था हल्का सा रेप का, उस तरह से ले जाएं फोल्ड कर लें से, और ऊपर से गुलाई आएगी बैंड की तरफ से। इसे नीट शेप दें, जितनी ज़्यादा नीट शेप देंगे उतना प्यारा गला लगेगा। ये देखिए, इसे अच्छे से प्यारी सी गुलाई दें।
ये देखें व्यूवर्स, ये हमने पाइपिंग लगा ली है। इसमें आप ये देखें, हमने यहाँ पे बराबर सिलाई लगाई है दोनों तरफ से। इस तरह से हम जब इसे फोल्ड करेंगे तो ये एक जैसा गला बनेगा, यानी ऊपर नीचे नहीं होगा। पाइपिंग बहुत ही नीट अच्छी आएगी। ये देखें व्यूवर्स, यहाँ पे हमने एक पट्टी कट की हुई है, इसको हम गले के सेंटर में लगाएंगे पाइपिंग मोड़ने से पहले। इसको हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और अब पाइपिंग को फोल्ड करेंगे। इस तरह से बैंड देके अंदर की तरफ एक और फोल्ड देंगे। इस तरह से इसके ऊपर रख के पट्टी के ऊपर सिलाई लगाएंगे हम। इस तरह पाइपिंग फोल्ड करते जाएं और एक स्ट्रेट सिलाई लगाते जाएं। ये देखें, यहाँ से हम गैप छोड़ेंगे जो कि हमने कट लगाया था। इसको हम पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इस तरह नीटनेस मिल जाएगी हमें। ये देखें, और ये बैन आ गई है ऊपर की साइड पे। इसकी गुलाई जैसे कि की हुई थी, इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे हम सिरे की। से नीटली पाइपिंग लगा लें बैन पे अच्छे से। आपने एक ही हिसाब से इसे फोल्ड करना है, कहीं से भीड़ा चौड़ा नहीं करना है। इस तरह से पाइपिंग बहुत ही बुरी लगती है। व्यूवर्स, यहाँ से ये देखें, ये जहाँ पे हमने पट्टी लगाई थी, इस बात का ख्याल रखें कि एक ही सीक्वेंस के बाद इस पर सिलाई लगाएं, यानी इसको साथ में ज्वाइन कर लें। अगर आप चाहें तो हक भी रख सकते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा, वहाँ पे आप टिच बटन लगा लें। ये देखें, इसको इक्वल रखना है आपने और इसी तरह तक नीचे तक इसको स्टिच कर लेना है। देखें, ये जो एंड पॉइंट है इसको अंदर तक फोल्ड करें और बेंड करके फिर से अंदर इस तरह से फोल्ड कर दें। ये देखें, नीटली फोल्ड करेंगे। और कोशिश करें कि दरमियान में गैप ना आने दें पाइपिंग दूसरी पाइपिंग के दरमियान। Thank you.
ये देखें हमारा गला ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे सिलाई और लगा लें ऊपर से, ये पक्का कर लें इसे, इस तरह से पाइपिंग निकलेगी नहीं। ये देखें व्यूअर्स, बैन पट्टी वाला ये गला रेडी हो चुका है। ये हमने पाइपिंग लगा के ही बैन लगाई है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।